सलाम सत श्री अकाल नमस्ते। आई होप आप सब अपनी लाइफ में मजे से जी रहे होंगे, सेफ होंगे, जहां भी होंगे। वेल चलिए स्टार्ट करते हैं पोमोग्रेनेट लेमोनेट, इसे बोलते हैं, वैसे मैंने इसको नाम दिया है पोमी लेमोनेट। ये एक तरह का लेमोनेट है, नींबू पानी शिकंजी। एज यूजुअल जैसा कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मेरे पास लेमोनेट है। लेमोनेट मैं गर्मियों में ज़्यादा बना रहा हूँ बिकॉज ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। आप पियेंगे, रिफ्रेश होंगे, इम्यून सिस्टम सही होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम दूर होगी और कई सारे प्रॉफिट्स होंगे। और वेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पोमेग्रेनेट जूस है जो कि मैंने ब्लेंड करके पहले से निकाल लिया है। अब इसे सीड्स को निकाल के ब्लेंडर में पीस उसको पीसे हैं, उसका वेस्ट बाहर आएगा, उसका सिरप या जूस उसका बाहर आ जाएगा। उसको आप 2 ounce या 3 ounce अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग उसको रख लें। और ये बनाना थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा आपको ब्लेंडर पे और आपकी जो ब्लेंडर किस कैपेसिटी का है, कमर्शियल या वो किस तरह की वेस्टेज को बाहर निकालता है। और ये पोमेग्रेनेट जो मैं लाया हूँ, ये थोड़ा सा रेड कम है इसके सीड्स, तो कलर उतना कॉन्ट्रास्टिंग नहीं आ पाएगा। पिंक कलर आता है जब आप रेड पोमेग्रेनेट सीड्स लाते हैं। इंडिया पोमेग्रेनेट के लिए मशहूर है, इंडिया में बहुत पोमेग्रेनेट अनारदाने बहुत मिलते हैं, तो बनाइए इसको और मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। सो क्रिएटिव बनिए, पोमेग्रेनेट लेमोनेट बनाइए, शिकंजी बनाइए। इसका ये बहुत अच्छा, इसका फ्लेवर एक सुपर, क्या बात करूँ, जब आप बना के पियेंगे ना तब आप मुझे बताइएगा। चलिए कोरोना वायरस चल रहा है, अपना हैंड सैनिटाइजेशन कर लेते हैं। सेफ्टी इज़ अ फर्स्ट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने घर वालों को सेफ रखिए, ज़रूरी 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 है। अच्छे से अपने हाथ को सैनिटाइज करें, अपनी नीट एंड क्लीन लें, लोगों से दूरी बनाएं और डिस्टेंस मेंटेन करें। कहीं भी शॉप पे जाएं तो बिल्कुल बच के रहें, एक बार हो गया प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ गाइस इसको मामूली मत समझिए। वेल स्टार्ट करेंगे, ईजी वे है, प्रिपरेशन मेरी ऑलरेडी रेडी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, सारी प्रिपरेशन है। मैं अब लेट्स स्टार्ट, मेरे पास मेसन जार है, इसको आप बाय कर सकते हैं अमेजोन, स्नैपडील या कोई भी। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी साइट, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं अपने जो मुझे पसंद है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी के अकॉर्डिंग मैं खरीदता हूँ। आप मेसन जार या कोई और जो भी आपके, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग शेप के। ये मैंने पोर कर दिया पोमेग्रेनेट जूस इसके अंदर, कोई ज़रूरी नहीं आप डायरेक्ट पोर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए कलर आप इसका देख सकते हैं, जब इसका जो रेडिश होगा ना तो पिंक कलर आएगा, थोड़ा डार्क कलर आ गया इसका। डिपेंड करता है पोमेग्रेनेट, आप अंदर से तो नहीं देख सकते हैं, जब आप बाई करिएगा तो जो रेड वाला जो बहुत ही पिंक पिंक कलर के होंगे दाने, उनको सेलेक्ट कीजिएगा। आइस डाल दीजिए, क्रश डाल दीजिए, क्यूब डाल दीजिए, कोई भी शेप की आइस इसमें भर दीजिए, 3/4 करके भर दीजिए। और इस पर आप लेमोनेट पोर करते जाइए, बट देखिए डिज़ाइन मैटर करता है, नीचे की लेयर वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो लेयर एक बार ये जल्दी से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेयर नीचे ही रहती है और जो पोर करने के स्टाइल होता है उसमें आपका सिर्फ लेमोनेट दिखता है। तो इस डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं, बहुत बड़ी डील नहीं है। एंड ऑफ द डे वो नाइस दिखेगा ही दिखेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी दिखेगी, देखेंगे ये देखिए। और साथ में आप लोग को ये अगर पसंद आता है, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसका एंजॉय करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है किसी भी ड्रिंक को बनाने में और इस प्रेजेंटेशन को बनाने में बहुत टाइम लगता है कि आप तक वो चीज़ें मैं पहुंचाऊं जो आप लोग को पसंद आए। तो कीप सपोर्टिंग अपना, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग। आप भी जो भी क्रिएटिविटी आपकी है वो उसको आप लोगों तक पहुँचाएँ, अपने टैलेंट को दिखाएँ और लोगों तक इसे पहुँचाएँ। सो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और मैं और क्या बोल सकता हूँ आप लोग से, अगर मेरे को और कोई नॉलेज मिलती है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। वाओ, अमेजिंग टेक्सचर, देखिए पीने में भी बहुत मस्त है और दिखने में तो आई थिंक कूल लग ही रहा है, क्या बोलते हैं। वो 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 वो, चलिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सलाम नमस्ते, फिर से मिलेंगे एक नई ड्रिंक के साथ। तब तक के लिए शुभ खैर, ऊपर वाला आप सब पे दुआएं बनाए रखे और आप सब सेफ रहें, मेरी यही आप लोग की दुआ है ऊपर वाले से। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।